अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं रुबीना अंसारी किचन में आपके लिए ब्रेड स्वीट डिश बना रही हूँ, ब्रेड डेजर्ट। ये ब्रेड की रसमलाई भी कहलाई जा सकती है। मैंने 3 टेबलस्पून मक्खन लिए हैं अनसॉल्टेड, इसे मैं मैश कर रही हूँ और थोड़ा सा सॉफ्ट करूँगी। इसमें 2 टेबलस्पून शुगर डालूँगी जो कि पिसी हुई है, और 4 टेबलस्पून खुश्क दूध शामिल होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक बरवक्त पहुंच सकें। अब मैं शुगर डाल रही हूँ और शुगर डाल के भी इसे अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बनाऊँगी। अब मिल्क पाउडर डालूँगी और ये भी मिक्स होगा। एक बहुत ही स्मूथ सा डो बन गया है, ये देखिए। अब मैं इस डो को एक साइड पे रखूँगी और यहाँ मैं कुछ और काम करूँगी। 3/4 कप मैंने फ्रेश मिल्क लिया है, इसमें मैं 4 टेबलस्पून शुगर के डाल रही हूँ। ये शुगर पिसी हुई है, आप चाहें तो इसमें आप बगैर पीसे डाल सकते हैं। इसे हमने डिसॉल्व करना है और एक मीठा सा मिल्क तैयार करना है। इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी। यहाँ मैंने 5 टेबलस्पून खुश्क दूध के लिए हैं, ये भी मैं इसमें डालूँगी ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, इसमें हमें कुकिंग नहीं करनी पड़ेगी बल्कि हम ऐसे ही इसे तैयार करेंगे बगैर चूल्हे के। ड्राई फ्रूट में मैंने बादाम और पिस्ते लिए हैं, तकरीबन 15 से 20 बादाम थे और 15 से 20 पिस्ते थे। यहाँ वेनिला एसेंस मैंने आधा टीस्पून लिया है, ये भी मैं शामिल कर रही हूँ और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। जब ये सारा मिक्स हो जाएगा तो मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डालूँगी और कुछ मैं गार्निशिंग के लिए रखूँगी। ये देखिए कितना अच्छा सा बन गया है ये। इसको अभी मैं एक साइड पे रखती हूँ और फिर हम मज़ीद काम करते हैं। ये कुछ ब्रेड स्लाइसेस हैं जिनको मैं सर्किल में कट करूँगी। यहाँ मैंने कटर लिया है जिससे हम बिस्किट बनाते हैं, और इसकी मदद से मैं एक ही साइज़ के इस तरह के सर्किल काट रही हूँ। तमाम ब्रेड के मैंने सर्किल तैयार कर लिए हैं। यहाँ मैंने तकरीबन आधा कप दूध लिया है और मैं मज़ीद आगे प्रोसेस करती हूँ। एक एक पीस को मैं उठाऊँगी और थोड़ा थोड़ा सा इसमें डिप करूँगी, ज़रा सा दूध सोख हो जाए, और इसे इस तरह हथेली पे रख के और इसको थोड़ा सा बड़ा करूँगी आहिस्ता आहिस्ता दबा दबा के। ये देखिए इस तरह ये कितने अच्छे से सॉफ्ट से बन गए हैं। इसी तरह मैं तमाम पीसेस को तैयार करती हूँ, तो फिर मिलते हैं तैयार होने के बाद। व्यूवर्स, ये ब्रेड पीसेस मैंने तैयार कर लिए हैं। अब एक एक ब्रेड पीस को इस तरह मैं अपने हाथ पे रखूँगी और जो मटेरियल हमने ड्राई मिल्क और मक्खन का बनाया था इसे रख के थोड़ा सा मैं हाथ से इसे सेट करूँगी और इसके ऊपर दूसरा पीस रख के और फिंगर्स की मदद से इनके किनारों को अच्छी तरह से प्रेस करके लॉक कर दूंगी ताकि ये खुले ना और इसमें से मटेरियल बाहर ना निकले। देखिए इस तरह से, और फिर मैं इसी तरह और भी तमाम जितने भी ये पीसेस हैं इनको तैयार करके और रस मलाई की तरह का बना लूंगी। ये देखिए कितना अच्छा सा बना है, किनारे भी लॉक हो चुके हैं। तो फिर मिलते हैं तमाम पीसेस तैयार करने के बाद। व्यूअर, लास्ट वाली रसमलाई भी तैयार हो गई है ब्रेड की, और देखिए कितनी अच्छी इनकी शेप आई है। अब हम मज़ीद प्रोसेस करेंगे। अब मैंने सर्विंग डिश में इन तमाम रसमलाइयों को रख दिया है और आहिस्ता आहिस्ता करके ये सारा मिल्क यानी जो मैंने तैयार किया था वो डाल रही हूँ, और मैं इनको अच्छी तरह से चम्मच से ऊपर से भी कवर करूंगी इस तरह, और इसे मैं गार्निश कर दूंगी।
ये देखिए कितना खूबसूरत टेक्सचर आया है, बिल्कुल रसमलाई लग रही है। जो ओरिजिनल बनती हैं ब्रेड की नहीं। व्यूवर्स आपके लिए बहुत ही लजीज ब्रेड रसमलाई तैयार है। देखिए कितने आराम से टूट गई, और अंदर आपको इसके मटेरियल भी नज़र आ रहा होगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही जल्दी बहुत आसानी से बन जाने वाली रेसिपी है। घर में सबको बहुत पसंद आएगी और बच्चे तो बहुत ज़्यादा इसे लाइक करेंगे। इस रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह हाफिज़।